हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ रही है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से। तो गाइस, एस्कॉट एस्कॉट कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यहाँ ये जो कंपनी वर्क करती है, मतलब ये इंडिया की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एस्कॉट लिमिटेड कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप लोग इस कंपनी के बारे में देखना चाहें तो ये जो है एक MNC कंपनी है गाइस। ये इंडिया की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और आज की जो वीडियो होने वाली है इस वैकेंसी के बारे में होने वाली है। यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में सभी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में जान लेते हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच ज़रूर मेंशन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपकी क्वालिफिकेशन ब्रांच से रिलेवेंट आ पाए। तो गाइस, यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है इस वैकेंसी के लिए। जो हमारी क्वालिफिकेशन रखी गई है, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, BE अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही BTech अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है तो भी आप सभी यहाँ पर एलिजिबल वाले हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर कंटिन्यू करें। अब वीडियो को अप्लाई किस तरीके से करना है, इस वैकेंसी में क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। इसकी अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिए। और गाइस, चलिए मैं आप सभी को इसको पहले जो है मेनली नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, ये किस किस क्षेत्र में वर्क करती है ये मैं बता ही चुकी हूँ। तो गाइस, हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ अलग अलग पोजीशन आप सभी की रहने वाली है। लोकेशन फरीदाबाद हरियाणा आप सभी का रहने वाला है। सैलरी पैकेज गाइस, आपकी जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, फ्रेशर रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, क्योंकि कुछ पोजीशंस के लिए हमारे एक्सपीरियंस भी अप्लाई करेंगे और कुछ पोजीशंस के लिए फ्रेशर अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा एंड BTech BE अप्लाई करेंगे और जहाँ हमारे BE वाले एलिजिबल हैं, BTech वाले भी अप्लाई करें, क्योंकि गाइस BE भी एक तरीके से ग्रेजुएशन ही रखा जाता है। जहाँ हमारे BTech वालों को जितना सैलरी पैकेज दिया जाता है, वहीं हमारे BE वालों को भी उतना ही सेम पोजीशन पर रखा जाता है और उतना ही आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो गाइस, इसीलिए आप लोग BTech वाले ज़रूर अप्लाई करें। और एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये आपकी ब्रांच रखी गई है साथ ही। और यहाँ MBA वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और आपका अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे आपसे 4 से 8 साल का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन कंपनी रहने वाली है और गाइस, मार्केटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है तो आप लोग ज़रूरी अप्लाई करें, क्योंकि मार्केटिंग वगैरह के में तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। ये एक इतनी अच्छी स्किल है गाइस, आप लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब मेनली हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो कहाँ से आ रहा है गाइस, ये नोटिफिकेशन लिंक्डइन की तरफ से आ रहा है। लिंक्डइन पर जो इनके जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर ने इनका जो भी जो एस्कॉट है, मतलब एस्कॉट ट्रैक्टर कंपनी जो है, वहाँ पर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज उनकी प्रोफाइल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और गाइस, यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी है, देखिए इसके बारे में, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई भी गई हैं क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। साथ में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वगैरह भी रहेगा। अगर आप लोगों को मार्केटिंग की कोई भी नॉलेज है या फिर प्रोडक्शन, प्लेसमेंट, ये सभी आप लोगों की यहाँ पर इससे रिलेवेंट कुछ भी आपको आता है तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि स्किल एक बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी पीछे कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का 3 साल का होगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा है तो आप उस पोस्ट को ले सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास स्किल मैटर करता है, स्किल अपने रिज्यूम में हमेशा मेंशन करें। और यहाँ आपका जो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, ये आप सभी का दिया गया है, ठीक है, ये आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए, क्वालिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ, क्वालिफिकेशन ये दिया गया है फरीदाबाद। और आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई करेंगे। और आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया है। बाकी अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी देखिए। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है हमारे, वो हमारे इस पर रिज्यूम सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं
वो ज़रूर सेंड करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो सीवी सेंड करेंगे, और साथ ही अगर फ्रेशर हैं तो वो रिज्यूम सेंड करेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस, कवर लेटर ज़रूर सेंड करें। कवर लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आप सभी का, और एक्सपीरियंस वालों का कवर लेटर भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फ्रेशर वालों का भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आप सभी का जो कवर लेटर है उसको एडिट कर लीजिए। एडिट किस तरीके से करना है, देखिए गाइस, इस तरीके से जैसे ये मैसेज लिखा है इस रूप में लिखा होगा, उसको करना है कॉपी। कॉपी करने पर अगर वहां पर अदर नेम लिखा है तो वहां अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, सारी चीजें डालकर उसे एडिट करना है। रिज्यूम सेंड करने से पहले कवर लेटर को सेंड करें। देन आप लोग क्या करेंगे, अपने इसको, ये जो है आप लोग का ईमेल आईडी, इस पर अपना रिज्यूम या आप लोग अपना सीवी सेंड करेंगे। अब गाइस यहाँ पर मोस्टली जो आप लोग की पोजिशन है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, बट यहाँ आप लोगों की डीईटी वालों की वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है। अगर आप लोगों की जब भी डीईटी वालों की पोजीशन निकलती है तो आप सभी का यहाँ पर रिज्यूम ऑलरेडी होगा, तो चेकआउट जरूर किया जाएगा और आप सभी को हायर किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल रही हूँ, ये जनरल मैनेजर की तरफ से निकाली गई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी मिस करनी चाहिए। तो हो सकता है गाइज आप लोग फ्रेशर भी यहाँ पर हायर हो जाए, ठीक है। तो वैकेंसी अच्छी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।